जी विनय जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जितना ज्यादा लोग डिजिटल पर निर्भर होते जा रहे हैं, इसकी दरख्वास्त भी लोगों से की जा रही है कि आप उसका डिजिटलीकरण हो रहा है हर तरीके से, इस तरह के प्लेटफॉर्म अपनी मनमानी करते भी दिख रहे हैं, और भारत पहला देश नहीं है जो इस तरह से सख्त हुआ है। ब्राजील की बात भी आप जानते होंगे, जिस तरीके से एप्पल पर उसने मोबाइल फोन के साथ चार्जर न देने पर कई करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया था। जी जी हाँ, ये बात एकदम सही है कि देखिए, बड़ी टेक कंपनीज नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने मुनाफा बढ़ाने के लिए, अपने रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए अलग अलग रेवेन्यूज पे काम करती होती, लेकिन ये हर देश की जिम्मेदारी है कि पर्टिकुलरली हम भारत जैसे देश के बारे में बात करें, जहां पर अभी भी इंटरनेट बहुत एक्सपांड हो रहा है, हमारी रूरल पॉपुलेशन अभी भी इंटरनेट को ज्वाइन कर रही है, पर्टिकुलरली स्मार्ट डिवाइसेस के थ्रू, मोबाइल के थ्रू। तो ऐसे में ये CCI जैसे रेगुलेटर और गवर्नमेंट की अन्य विभिन्न संस्थानों की जिम्मेदारी भी बनती है कि वे बड़ी टेक कंपनियों को लगातार इस बात के लिए भी मंच पर लाएं, और उन्हें एक तरीके से आवश्यकता पड़े तो बाध्य भी करें कि आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड रखिए, ट्रांसपेरेंट फील्ड रखिए, और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स होना चाहिए। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि एक और जो पिटीशन CCI के पास तीन अलग अलग माध्यमों से गई हुई है, और आई थिंक CCI अभी तीनों को मिलाकर एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो है न्यूज पब्लिशर्स के अराउंड। जैसे कि आप जानते हैं कि गूगल के ऊपर जितने भी न्यूज पब्लिशर हैं, वो डिजिटल क्षेत्र में बहुत ज्यादा निर्भर हैं अपने अच्छे कंटेंट की डिस्कवरी के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लगभग 98 से 99% ऑनलाइन सर्च मार्केट इंडिया में गूगल के पास है। अब ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि हर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से बाध्य है, हालांकि गूगल की टेक्नोलॉजी डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन हर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि गूगल को वो अपना कंटेंट दें, ताकि गूगल के ऊपर उनके जो खबर के लिंक्स हैं, चाहे वह टेक्स्ट में हो चाहे वह वीडियो में हो, वह उनके सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आए। लेकिन इसके बदले में गूगल किसी भी न्यूज पब्लिशर को एडिक्वेटली कंपनसेट या फिर रेवेन्यू शेयरिंग नहीं करता है। इसके कारण हो क्या रहा है कि भारत में ऑनलाइन डिजिटल न्यूज पब्लिशिंग बढ़ रही है, करोड़ों करोड़ों लोग नए भी जुड़ रहे हैं जो न्यूज को ऑनलाइन कंजम्पशन कर रहे हैं, लेकिन पब्लिशर्स के लिए अभी भी कोई सस्टेनेबल मॉडल एमर्ज नहीं हो रहा है भारत के क्षेत्र में। तो ऐसे में जो गूगल की कई सर्विसेज हैं, जैसे कि गूगल न्यूज, गूगल डिस्कवर, इन पर ये जो CCI के पास एक और पिटीशन है, इसमें ये आरोप लगाया गया है कि शायद गूगल इनमें एक अनफेयर एडवांटेज यूज कर रहा है अपनी, क्योंकि उनकी मार्केट पे नियर मोनोपोली है। अगर किसी के पास में 98-99% मार्केट है, तो किसी और के पास आपके पास जाने का ऑप्शन ही नहीं बचा, और रेफरल ट्रैफिक केवल गूगल ही दे सकता है। और ये गूगल को कहीं ना कहीं समझना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे जगह पे पर्टिकुलरली डिजिटल न्यूज के क्षेत्र में, वहां पे रेगुलेटर्स ने, गवर्नमेंट ने, चाहे वो लेजिस्लेशन के थ्रू हो, गूगल को बाध्य किया है कि वो न्यूज के लिए पब्लिशर्स को पे करें। और ये बात भी सच है कि अच्छे पत्रकारिता को करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट जाते हैं, मेहनत जाती है, और रिसोर्सेज भी जाते हैं संस्थानों से। तो अच्छी पत्रकारिता के लिए आपको रिपोर्टर्स फील्ड पे भेजने पड़ते हैं, प्रोडक्शन में एफर्ट जाता है, एडिटिंग होती है, उनका खबरों का सही चयन होता है, फैक्ट चेक होता है। अब ये सारी चीजों को आप क्रिएटर इकोनॉमी से कम्पीट नहीं करा सकते हैं। न्यूज एक सीरियस बिजनेस है, और कहीं ना कहीं गूगल को भारत के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना होगा, मुझे लगता है कि, क्योंकि देखिए, ये हम टीवी प्रोग्राम पे डिस्कस कर रहे हैं, ये केवल जानकारी के लिए है, लेकिन CCI से भी पहले अगर अच्छा हो कि अगर गूगल आगे बढ़कर खुद आए और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिससे कि न्यूज पब्लिशर्स इंडिया में ज्यादा सस्टेनेबल हो पाए, डिजिटल पे ज्यादा आ पाए। जी जी बिल्कुल।